नमस्कार। सो वी आर मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड एज यू नो आपका प्रेटी मच कोर्स कवर हो चुका है। ऑल दैट इज लेफ्ट इज जो ग्रामर पोर्शन पोर्शन है, जो आपका CE 101 पेपर का। एंड आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज थिंग्स विद माई स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज भरमौर के हैं, तो उनके साथ हम, क्योंकि नाउ दैट ऑफलाइन क्लासेज हैव बिगन, वी हैव डन दीज थिंग्स, बट सिंस आई रियलाइज कि और भी इधर उधर से बच्चे देख रहे हैं, सो दैट इज वाई आई फेल्ट आई शुड मेक अ वीडियो फॉर दिस। तो लेकिन इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जो आपका ग्रामर पोर्शन है, बिकॉज दीज आर वास्ट टॉपिक्स, बट थोड़ा बहुत जो मुझसे हो सकता है आई विल डू इट। एंड द फाइव टॉपिक्स जो आपके ग्रामर पोर्शन में आते हैं CE 101 में है, दैट इज आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, फ्रेजल वर्ब्स एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, सो वी विल डिस्कस देम अ बिट हेयर। बहुत ही बेसिक, यानी यू नो बहुत ही कम बेसिक स्तर पे बात होगी, बट लाइक एज यू नो दीज आर वास्ट सब्जेक्ट्स, और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, लैंग्वेज के लिए इट्स मोस्टली अबाउट प्रैक्टिस। सो एंड प्लस लाइक यू नो मुझसे अच्छे, आई थिंक बेहतर वीडियोज आपको, अगर बस आप एक गूगल सर्च करेंगे, यू विल फाइंड बेटर वीडियोज दैट विल एक्सप्लेन थिंग्स बेटर, यानी प्रेपोजिशन ये सब, यू नो एक्सटेंसिव बहुत कंटेंट है। यूट्यूब में देखिए आप, चाहे गूगल में देखिए, या कोई ऐप देखिए, ग्रामर ऐप, ये सब आपको वहां मिल जाएगा। सो व्हाट आई विल डू हेयर इज, मैं बस थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको डिस्कस करूंगा और थोड़े बहुत पॉइंट्स बताऊंगा। ठीक है, सो सबसे पहले बात आती है आर्टिकल्स की, या बचपन से देखते आ रहे हैं ए एंड द। सो दो प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट। डेफिनेट यानी निश्चित या विशेष, जो कि द, एंड इनडेफिनेट ए या फिर एन, राइट। सो विदाउट गेटिंग इन टू टू मच डिटेल, जस्ट लाइक यू नो आपको बेसिकली एग्जाम में क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के। सो बेसिकली 5 सेंटेंसेस होंगे और आपको ब्लैंक में अप्रोप्रिएट आर्टिकल लिखना होगा, राइट। एंड व्हेन यू थिंक ऑफ इट, यू नो सो आई कैन गिव यू अ 3-स्टेप प्रोसेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक जस्ट थिंक ऑफ इट, यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिव मी अ पेन एंड गिव मी द पेन। व्हेन आई से गिव मी अ पेन, यानी इनडेफिनेट आर्टिकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कि कोई भी पेन दो, मुझे लिखने से मतलब है। बट व्हेन आई से गिव मी द पेन, डेफिनेट, मैं किसी डेफिनेट या फिर निश्चित पेन के बारे बात कर रहा हूं, शायद जो पेन मैंने आपको कल दिया था या फिर 5 मिनट पहले दिया था, उसी वही वाला पेन चाहिए मुझे, और कोई पेन नहीं। गिव मी द पेन, वो वाला पेन। एंड गिव मी अ पेन इज लाइक या गिव मी एनी पेन, लाल पीला हरा जो भी, मुझे बस लिखने से मतलब है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। और ए एन का आपको पता है, इट्स वॉवल साउंड, सो वील जस्ट गो थ्रू दैट 3-स्टेप प्रोसेस। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे डील करना है उनसे, सबसे पहले तो आप देखिए कि सिंगुलर है या प्लूरल है। जिस नाउन के पीछे आप पहले आप आर्टिकल लगा रहे हैं, इज इट सिंगुलर और प्लूरल। इफ इट इज प्लूरल, तब तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, पहले स्टेप में ही जस्ट राइट द। फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो गिव मी डैश पेंसिल्स, पेंसिल्स इज प्लूरल। सो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, ए एन लगेगा ही नहीं, क्योंकि ए एन, ए या फिर एन का मतलब ही एक होता है, अ। सो इफ इट्स प्लूरल सिंपली राइट द, ठीक, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। लेकिन अब अगर सिंगुलर है, देन यू हैव टू थिंक अबाउट द डेफिनेट या इनडेफिनेट पार्ट है। सो जैसे कि गिव मी डैश पेंसिल दैट आई गेव यू येस्टरडे। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, मुझे वो वाली पेंसिल दीजिए जो आपने, जो मैंने तुम्हें कल दी थी। सो एक डेफिनेट, एक विशेष, एक निश्चित पेंसिल की बात कर रहे हैं, किसी भी पेंसिल की बात नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट इनडेफिनेट। सो यहां पे द लग जाएगा, ठीक। गिव मी द पेंसिल दैट यू गेव मी, दैट आई गेव यू येस्टरडे। ऑन द अदर हैंड, इफ इट इज लाइक यू नो गिव मी डैश पेंसिल, मुझे एक पेंसिल चाहिए, राइट, इनडेफिनेट, कोई भी पेंसिल, लिखने से मतलब है। सो फिर क्या आएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल आएगा, ए या एन। सो देन द नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, जब आपको देखना है वॉवल साउंड, गिव मी डैश पेंसिल। वॉवल्स क्या होते हैं, AEIOU। इसमें पहली साउंड क्या है, पेंसिल की, प, विच इज अ कॉन्सोनेंट, जो कि व्यंजन है, स्वर नहीं है, वॉवल नहीं है। सो क्या लगेगा, ए। इफ इट वॉज से आइसक्रीम, पहली साउंड क्या है, अ, आई, अ साउंड, वॉवल साउंड, सो इट विल बी एन, राइट। सो एंड या प्लीज नोट दैट इट्स ऑलवेज अबाउट द साउंड, नॉट द लेटर। फॉर इंस्टेंस, ही इज डैश MA, ही
he is dash Master of Arts. So in the first case, he is dash MA. MA जब आप बोल रहे पहला साउंड क्या है M A M M M right? M M साउंड नहीं है A साउंड M A. So what will you use? An. He is an MA student or whatever. Second sentence, he is dash Master of Arts. पहला साउंड क्या है मास्टर में M. So consonant और इसीलिए he is a Master of Arts, right? So that is about it for articles. And like I keep saying, it's all about practice. 5 number ka 5 sentences aayenge. And that is about it. Aur aapko kya karna hai? Just keep practicing. Aapke jo bhi aap kitab mein dekh rahe ya fir net pe search kar rahe ya guide mein dekh rahe. There are enough examples. Just go through them. Aur usse aapko kya hai? Practice ho jayegi. तो और क्या है डेफिनेट द कहाँ कहाँ यूज होता है जैसे कि जब आप क्या है पूरे ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक उसको बोल रहे हैं जैसे कि द काओ इज अ यूजफुल एनिमल यू नो द काओ इज अ यूजफुल एनिमल द काओ वैसे ही जब किसी पहाड़ों के बारे में नदियों के बारे में आप लिख रहे हैं द हिमालयस द गंगा द इंडियन ओशन थिंग्स लाइक दैट बुक्स के पहले द रामायण द इलियड द पुराण द वेद जो पुरानी किताबें हैं वैसे ही द सन एक ही सन है द सी द ओशन द अर्थ द स्काई थिंग्स लाइक दैट सो जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ दिस जितने आप एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए आसान रहेंगी ये एक्सरसाइजेस ठीक नेक्स्ट टॉपिक आपका फिर आता है प्रेपोजिशंस व्हाट आर प्रेपोजिशंस नाउ दिस इज समथिंग लाइक यू नो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज For instance, let's take a sentence. I want to buy new clothes for my sister on Sunday. तो इसमें तीन prepositions हैं. To, for and on. तो basically ये जो noun और बाकी शब्दों के बीच में एक रिश्ता बताते हैं जो कि उन्हें कनेक्ट करते हैं बताते हैं किस दिशा बताते हैं समय के बारे में कुछ बताते हैं या फिर बेसिकली यू नो जस्ट कनेक्टिंग डिफरेंट वर्ड्स जो कनेक्टर्स होते हैं यू नो एक वाक्य बनाने के लिए इंग्लिश में बहुत सारे प्रेपोजिशंस हैं सो वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल ऑफ देम बट एग्जांपल्स इन एन एट बाय टू अप ऑफ फॉर फ्रॉम टिल विद थ्रू अबव बिलो अंडर बीनीथ बिटवीन बिसाइड बिहाइंड इनसाइड आउटसाइड विद इन विदाउट अमिड्स अबाउट अलोंग सो ये जो भी सेंटेंसेस है यू नो दे दीज आर द लिंकिंग वर्ड्स और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं उनके बारे में कि जैसे द बुक इज ऑन द टेबल जो दो संज्ञाएं जो दो नाउन्स के हम बारे में बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट टू नाउन्स बुक एंड टेबल सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम टेबल के ऊपर किताब पड़ी है द बुक इज ऑन द टेबल सो दैट्स प्रेपोजिशंस तो वेयर समथिंग टेक्स प्लेस व्हेन और व्हाई समथिंग टेक्स प्लेस इस तरह की इन्फॉर्मेशन जनरल जो आपको देते हैं तो ज्यादा इसमें अगेन प्रेपोजिशंस इज अ ह्यूज टॉपिक और लाइक आई सेड जितना मैं आपको अगर प्रेपोजिशंस के बारे में समझाऊं उससे अच्छे ऑलरेडी कई वीडियोस और इन्फॉर्मेशन है सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट ऑफ स्पून फीडिंग यू ऑलरेडी हैव इनफ वीडियोस और इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन जस्ट एक बार आप गूगल सर्च करेंगे आपको प्रेपोजिशंस का बहुत कुछ मिल जाएगा थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ बता सकता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल जब टाइम की बात करते हैं एट ऑन एंड इन तीन प्रेपोजिशंस लेते हैं जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं जैसे कि 1 PM या फिर 3:30 PM सो आई विल हैव लंच एट 1:30 ठीक है जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम एग्जैक्ट टाइम की बात करें तब एट लगेगा ऑन द अदर हैंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डेज या फिर डेट्स जैसे कि संडे मंडे ट्यूजडे या फिर 23rd February 25th February देन वी यूज ऑन जैसे द एग्जाम इज ऑन मंडे या फिर द एग्जाम इज ऑन 25th February नेक्स्ट इन की बात करते हैं सो दैट इज यूज फॉर नॉन स्पेसिफिक टाइम जैसे यू नो ड्यूरिंग अ डे मंथ सीजन ईयर जैसे आई विल कम इन द समर या फिर आई विल कम इन 2021 या फिर तो वही लाइक यू नो इन सेप्टेम्बर जब आप स्पेसिफिक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता देन वी यूज इन सिमिलरली प्लेस की अगर आप जगह की बात करें तो सेम लॉजिक आ जाता है एट स्पेसिफिक एड्रेस पे यूजली यूज होगा जैसे कि आई लिव एट हाउस नंबर 3 वट एवर थिंग जब आप गली ये सब उससे आगे अब थोड़ा आ जाते हैं तो गली ये सब की बात करते हैं आई लिव ऑन 84 रोड एटसेट्रा एटसेट्रा एंड फाइनली
जब आप किसी स्पेसिफिक जगहों की बात कर रहे हैं, जब आप नाउन यू नो लार्ज टाउन्स ये सब की बात कर रहे हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन भरमौर, आई लिव इन कुल्लू, व्हाटएवर, लाइक यू नो, या फिर आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन महाराष्ट्र, आई लिव इन एशिया, तो इन लार्जर जैसे कि टाइम के साथ भी होता है, तो एट ऑन इन में भी यही रिलेशन रहता है. एंड एक और मैं चाहूंगा, टू एंड टू वर्ड्स. व्हेन आई से आई एम गोइंग टू भरमौर एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स भरमौर, व्हाट्स द डिफरेंस? आई एम गोइंग टू भरमौर यानी कि मैं भरमौर जा रहा हूं, मुझे भरमौर ही जाना है. बट व्हेन आई से आई एम गोइंग टूवर्ड्स भरमौर, दिशा की बात है, यानी मैं भरमौर की तरफ जा रहा हूं. हो सकता है मैं रास्ते में कहीं रुक जाऊं, लाहल में रुक जाऊं, या जहां पे भी जो रास्ते में कहीं रुक जाऊं, बट मैं चंबा से मान लीजिए भरमौर की दिशा में जा रहा हूं. बीच में कहीं रुक जाऊंगा वो अलग बात है, बट व्हेन आई से आई एम गोइंग टू भरमौर यानी मैं भरमौर ही जा रहा हूं. ठीक. अनदर, अब टाइम की बात करते हैं. जैसे काफी समय से अगर आपको कुछ ऐसा कुछ बोलना है, सो फॉर एंड सिंस, यू नो, जैसे आई हैव बीन ईटिंग फॉर हाफ एन आवर, आई हैव बीन ईटिंग फॉर 30 मिनट्स, थिंग्स लाइक दैट, यू नो. इसे आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, थिंग्स लाइक दैट. लेकिन जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम से बात कर रहे कि आई हैव बीन लिविंग इन भरमौर सिंस 2018, राइट, उस तरह का, आई हैव बीन लिविंग इन भरमौर सिंस 2018, या फिर जो समय स्पेसिफिक टाइम अगर बता रहे हैं, तो सिंस, फॉर, सिंस, ऑफ, फॉर, बाय, विद, अबाउट, यू हैव टू यू नो जस्ट गो थ्रू दीज. फिर देन होता है कि कुछ कुछ प्रेपोजिशंस आर वेरी फिक्स्ड, यू नो, जैसे अप, जो किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ ही लगते हैं, जैसे अप्रूवल ऑफ, बीइंग अवेयर ऑफ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, लव ऑफ, अभी नाउन्स की बात करें जैसे, वैसी बिलीफ, विश्वास हमेशा इन, बिलीफ इन, आई हैव बिलीफ इन हिंदुइज्म और ह्यूमैनिटी और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और वट एवर, आई एम इंटरेस्टेड इन, you know. So there is specific examples, you know, specific शब्दों के साथ वही लगता है जो preposition, you know, जो कि आप बाद में भी phrasal verbs में आपका आएगा फिर से. So like वैसे ही, I have hope for, I have a need for a new bat, या फिर I have a lot of respect for my parents, so for, like, you know, confusion about, I am confused about mathematics, things like this. Adjectives, I am afraid of, aware of, capable of, fond of, jealous of, this is made of, and things like that, you know. Angry at, I am angry at my brother because he broke my cycle or whatever. Happy about, I am happy about my promotion or whatever. Familiar with, married to, similar to, वैसी phrasal verbs जो कि आपका actual में एक topic है, उसमें क्या है, basically एक verb होता है, उसके साथ कोई आप एक preposition जोड़ देते हैं, and so apologize for, care for, look for, pay for, prepare for, study for, work for, ask about, think about, talk about, worry about, this book belongs to me, look forward to something, bring up, give up, grow up, look up, make up, find out. So all these phrasal verbs, again, like, you know, isme jyada kuch samjhane ka hai nahi. Go through all the examples in your books and also try to just look them up. Aajkal, you know, that's what I keep saying, aapke pehle jo generations thi unke paas bahane the na padhne ke, ki yani koi batane wala nahi hai, kitab nahi hai. You people have no excuses, especially since the pandemic has hit, you know. Ab to sabke paas phone hai, padhai bhi us samay phone se ho rahi thi. So all of you have phones, all of you know how to use the internet. Aur kuch kuch, I get it, areas hain jahan signal nahi aata hai. But still, you know, when you go to college, you can always check these things, you can ask your friends. So basically, you have no excuses, sab kuch aapke haath mein hai, bas aapko kya hai, search karna hai. You don't even have to type. All you have to do is say, like, you know, just say phrasal verb exercises, या फिर prepositions आप अपने phone में Google पे बोलिए और वो आपको बताएगा. ठीक. वैसी other things, like जैसे agree, सहमति, सहमति की बात करते हैं, you know. You agree to an idea or a proposal, but you agree with a person. तो किसी, अगर आप इंसान के साथ सहमत हो रहे हैं तो with लगेगा, but अगर आप किसी idea के साथ सहमति जता रहे हैं तो I agree to that idea. Right. वैसी आई एम एंग्री
एट समथिंग, किसी चीज से गुस्सा है तो एट समथिंग, बट अगर किसी इंसान से गुस्सा है तो आई एम एंग्री विद, एंग्री एट, यू नो, अदर थिंग्स, आर्ग्यू अबाउट, आर्ग्यू विद, सेम. अगर आप किसी चीज, किसी विषय के बारे में आप आर्ग्यू कर रहे हैं, वी आर आर्ग्यूइंग अबाउट पॉलिटिक्स, तब अबाउट लगेगा. बट इफ यू आप किसी इंसान के साथ आर्ग्यू कर रहे हैं तो विद लगेगा. आई एम आर्ग्यूइंग अबाउट पॉलिटिक्स विद मिस्टर एक्स, या फिर आई एम आर्ग्यूइंग विद रमेश, यू नो. सो या, और वैसे ही आर्ग्यूइंग फॉर, आर्ग्यूइंग अगेंस्ट, कंपेयर टू, कंपेयर विद, करस्पॉन्ड टू, डिफर फ्रॉम, डिफर विद अ पर्सन, थिंग्स लाइक दिस, यू नो, लिव एट एन एड्रेस. सो ऑल ऑफ दिस, लाइक आई सेड, प्लीज, यू नो, गो थ्रू देयर इनफ वीडियोज एंड प्लस जस्ट यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑनलाइन, यू नो. मुझसे अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, इसीलिए मैं नहीं कर रहा, अदरवाइज यू नो मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती, एंड आई वुड हैव ट्राइड टू मेक सम कंटेंट, बट जब मैंने ऑनलाइन देखा बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी है, तो इस ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट सर्च. ओके, फिर आपके आते हैं वर्ब फॉर्म्स. अगेन, वर्ब फॉर्म्स में ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि ऑलरेडी शर्बानी के साथ एक हमने वर्ब्स और टेंसेस पे वीडियो बना रखी है, एंड दैट इज इनफ. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन, इनफ कंटेंट ऑनलाइन. वर्ब फॉर्म्स बेसिकली हुए जो पास्ट पार्टिसिपल, ये सब, ईट, एट, ईटन, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, थिंग्स लाइक दिस, यू नो. थ्री, जो तीन वर्ब फॉर्म्स है वो आपको पता होने चाहिए. सो अगेन, प्रेपोजिशंस और वर्ब फॉर्म्स में भी वही फॉर्मेट होगा, पांच सेंटेंसेस आएंगे, पांच पांच नंबर, एक एक नंबर के. प्रेपोजिशंस में वही फिल इन द ब्लैंक्स, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन लिखना है. वैसे ही वर्ब फॉर्म में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि आई डैश एन एप्पल येस्टरडे, और ब्रैकेट में आपको फॉर्म दिया जाएगा, जैसे आई डैश एन एप्पल येस्टरडे, और ब्रैकेट में लिखा होगा वर्ब ईट. तो आपको ईट का सही फॉर्म रूप डालना है वहां पे, ईट, एट, ईटन. तो आई डैश एन एप्पल येस्टरडे, मैंने कल एक एप्पल खाया, तो पास्ट एट, आई एट एन एप्पल येस्टरडे. तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको पहली बात तो हर वर्ब के, अ लॉट ऑफ वर्ब्स के आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए, जो तीन जो रूप होते हैं ना, राइट, रोट, रिटन, थिंग्स लाइक दिस, वर्ब फॉर्म्स पता होने चाहिए, फिर देन यू कैन डू दीज. फाइनली फ्रेजल वर्ब्स, जो ऑलरेडी डिस्कस हो रखा है. सो अगेन, लाइक आई सेड, ऑल यू हैव टू डू इज, यू नो, जस्ट लाइक ट्राई टू फाइंड एक्सरसाइजेस. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये सब आसान होगा, यू नो. अगर एंड एक्सरसाइजेस आर देयर, यू नो, इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स एक्सरसाइजेस आपके जो गाइड्स हैं उसमें है, या फिर ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, कई एप्स हैं, सो यू कैन यूज दोज एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान होगा, इसमें ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है, एंड इट्स ऑल वेरी सिंपल इफ यू प्रैक्टिस. फाइनली कॉम्प्रिहेंशन, जो आप बचपन से कर रहे हैं, बेसिकली अनसीन पैसेज या फिर गद्यांश जो बोलते हैं वो आपको दिया जाएगा, और फिर लाइक अ पैसेज दैट यू हैव नॉट रेड बिफोर, एंड देन देर विल बी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट. वही इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी जो ऑलरेडी उस पैसेज में है, कुछ बाहर से नहीं होगा. सो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कि आप अगर कुछ पढ़ते हैं उसमें से आप क्या समझते हैं, इसीलिए वो सवाल पूछे जाएंगे आपसे. सो दैट्स अबाउट इट. ग्रामर पोर्शन, पांच टॉपिक्स हैं. आई होप यू विल बी रेडी फॉर द एग्जाम्स, एंड एज यू नो मिड टर्म्स आ रहे हैं, सो गुड लक विद दैट. एंड इसके बाद फाइनली आई थिंक आपका अब एक्चुअल में कोर्स पूरा हो गया है. व्हाट एल्स वी कैन डू इज कि मे बी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स हम थोड़ा बहुत आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलग अलग डिस्कस करें. सो अंटिल देन, हैव फन एंड स्टडी एंड कीप प्रैक्टिसिंग.